मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से चौदह दिन सर मैं कहीं रहा चौदह दिन में जो भी चिल्ला काटा सर वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें बीस सेकेंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जुनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और नौ मही की मजम्मत करता हूं और मुझे आजाद कर दिया गया आजाद तो हो गया सर लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है ना समझ सकता है ना बोल सकता है मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के इस तस्वीर की तरफ देखते हुए जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं मैं आजाद नहीं हूं अगर मुझ में सोचने समझने की सलाहियत यह रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले छह आठ महीने कितने कर में गुजारे हैं सारे लोग बैठ के चाय पी रहे होते थे सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर पे छुपा होता था ये बातें करना आसान है सर आज आप रेगिंग की बात कर रहे हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ है मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात कर रहे रेगिंग पे लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की सर यकीन जाने में अगर एक एक रूदात सुना दू ना आप परेशान हो जाएंगे उन चार महीने में जब छुपा हुआ था मेरा घर गिरा दिया गया सर मेरी फैक्ट्री मेरे कारोबार बंद कर दिए गए एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर है तो जो बाग संभालते हैं उनका उठा के ले गए मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर